एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है आर्म्स के लाइसेंस की बात करें, यानी कि पहले अगर आपको कोई भी नया वेपन लेना होता तो उसके लाइसेंस की बात करें तो फिलहाल उस पर बैन लगाया गया था, पर 54 मंथ्स के बाद इस बैन को हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और बताया जा रहा है कि अगर अब बात करें तो आपको इश्यू हो सकता है फ्रेश इंडिविजुअल आर्म्स लाइसेंस की बात करें जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये साफ तौर पर बताया गया है कि फिलहाल इसमें इशू करने के लिए फ्रेश इंडिविजुअल आर्म्स की बात करें लाइसेंस की, जो कि विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसे रिवोक किया गया था ऑर्डर को। और कंसर्निंग इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज की बात करें, तो है उन्हें बोला गया है टू एडहेयर द एडिशनल कंडीशंस बिसाइड द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल 2016। और फ्रेश कंडीशंस रिक्वायर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्हाइल कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ द इंडिविजुअल आर्म्स लाइसेंस टू नेसेसरी ऑब्टेन द आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हालांकि नए जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने को कहा गया है, जो नए कंडीशंस रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें आधार कार्ड की जो है नेसेसरी जो है वो रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल एंश्योर दैट दी एंटरटेन ओनली सच एप्लीकेशंस फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस और फॉर एक्सेसिंग एनी अदर सर्विस फ्रॉम एन एप्लीकेंट हु इज अ रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड इन नो केस दे शैल इधर ग्रांट अ लाइसेंस और रिन्यू अ लाइसेंस ऑफ एन एप्लीकेंट नॉट रिजाइडिंग विद द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको यहीं पर आपका वेपन का जो है आर्म्स का रिन्यू कराना चाहते हैं या नया फ्रेश कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा। कई बार यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एंश्योर जो है साफ तौर पर कहा गया है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये भी कहा गया है, एक रिपोर्ट जो है फ्रॉम सीआईडी विंग ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पर बनाने को कहा गया है रिगार्डिंग द करेक्टर एंड द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट एडिशन टू द पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आर्म्स रूल ऑफ 2016 इन ऑर्डर टू एंश्योर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन अ पोजिशन टू एसर्टन द सुटेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग द लाइसेंस इन ईच इंडिविजुअल केस बेस्ड ऑन द असेसमेंट मेड बाय द सीआईडी पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन सोशल एंड पब्लिक लाइफ एज ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न ड्रेशन। सो तमाम जो इसमें कंसिडरेशन रहती है कि आपको किस बेसिस पे जो है लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो तमाम जानकारी साफ तौर पर कहा है पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। और जो सीआईडी की तरफ से जो फीडबैक आएगा जो उसमें आएगा वही तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉलो जो है वो करना होगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये भी कहा गया है कि शैल पर्सनली एंश्योर दैट एवरी सर्विस टू बी प्रोवाइडेड अंडर दी, की जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो अंडर दी आर्म्स रूल ही होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दी ग्रांट ऑफ लाइसेंस की बात करें, रिन्यूअल की बात करें लाइसेंस की, या एक्सटेंशन ऑफ एरिया की बात करें, वैलिडिटी की बात करें, एंट्री ऑफ आर्म्स एम्यूनेशन, रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंस ऑफ द लाइसेंस एक्स्ट्रा आर मैंडेटरी डन थ्रू दी एनडीएएल और एएलआईएस पोर्टल एंड फिजिकल रिकॉर्ड ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड ऑफ ऑल दी सच एंट्रीज विच आर मेड ऑन द पोर्टल आर मेंटेन्ड। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें साफ तौर पर कही गई है, जो बदलाव पर 54 मंथ्स का जो ओल्ड बैन था उसे गवर्नमेंट ने अब रिवोक कर दिया है, हटा दिया गया है। यानी कि अब आप कोई भी नया लाइसेंस या रिन्यूअल कराना चाहते हैं अपने आर्म्स का वेपन्स का वो आप करवा सकते हैं, पर जो तमाम प्रोसीजर रहता है उसी एक्ट के अंडर ही आपको मिलेगा। और जिस तरह से बताया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका रिन्यूअल तमाम होगा, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है वो नहीं करवा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो है तमाम लाइसेंस के हवाले से, जो भी नए वेपन्स या आर्म्स को रिन्यू कराना चाहते हैं या लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके लिए ये प्रोसीजर जो है रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।